नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन का अपने गृह नगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में उत्साहित समर्थकों ने भाजपा को सत्ता से हटाना है, अखिलेश भैया को लाना है आदि नारे लगा रहे थे। जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करते हुए बिजनौर में सपा को अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। सपा जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने आने वाले 2022 के चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलबा कुरैशी व अखलाक पप्पू के सफल संचालन में हुई। जावेद राइन, इरफान मलिक, महमूद कस्सार, पूर्व प्रवक्ता अहमद खिजर आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व सभासद मोहम्मद शोएब भूरा, मोहम्मद राजिब, नवेद राशिद, मोहम्मद रागिब शहजादा, हाफिज यूसुफ पप्पू, रियासत हुसैन, रियाज अहमद राजू, शमशाद उस्ताद, मशकूर अहमद, मोहम्मद जावेद सब्बू, जानीशा, नसीमुद्दीन अंसारी, हाजी अकरम, यामिन कसार सहित तमाम समर्थक मौजूद रहे। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यही सोच है, क्योंकि 4 महीने से लॉकडाउन है और हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमने लॉकडाउन का पालन किया और 144 का भी पालन किया, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ज़रूरतमंद लोगों की पूरी पूरी आगे आके मदद की। जो सड़कों पे लोग बेचारे पैदल चल के आ रहे थे, उनको खाने पीने का इंतज़ाम कराया। और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, और हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जो आज लोग रो रो कर अखिलेश जी को याद कर रहे हैं। हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार से प्रदेश को निजात दिलाएंगे और लोकप्रिय सरकार जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी उसे लेकर।